दारू पेर के साथ तालाब, पानी का तालाब जबरदस्त। ये डड्डू वाला पानी है, इसमें डड्डू भी घूम रहे हैं और लोग ये डड्डू वाला पानी पीते हैं। बोरी में करना पड़ता है, इधर सहूलतें देनी चाहिए यार इस जगह को। अब्दुल बसीर हाथ धोते हुए सलाम है दारू पीर के साथ। ये डड्डू वाला पानी और अब्दुल बसीर भाई ने भी पी है। क्या कहता है रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये कैसा पॉइंट बन सकता है? बड़ा अच्छा रिलीजियस टूरिज्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो दारू पीर का मकाम है, ये क्योंकि वो इलाका है जो यहाँ पे वीरान है। हालांकि अस्ताना दरबार वलीउल्ला जो होते हैं वो डेफिनेटली टॉम होना चाहिए, एक बरकत इस इलाके के लिए बायस बरकत है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो जो उनके मौतकदीन हैं या गवर्नमेंट है वो उनके लिए कुछ। फोर्ट मनु के करीब है, वैसे कच्चा रास्ता तो है। हाँ, बाइक पे तो बंदा आ सकता है, लेकिन सहूलियात नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि किसी तरह की भी सहूलत नहीं है, दिल खून के आंसू रो रहा था। तो कोशिश करनी चाहिए रिलीजियस टूरिज्म के लिए यहाँ के इलाके के लोगों की मुआशी बदहाली दूर हो जाएगी। दारू शाह के दरबार पर रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट हो सकती है। रिलीजियस टूरिज्म अनारी हिल टॉप साथ है, 2-3 घंटे की हाइकिंग पे है, और इधर ओलिव वैली भी है। ये इस पहाड़ के पास जैतून के दरख्त है, अमेजिंग वंडरफुल नेचर है। कैंप्स भी लग सकते हैं और ज़ायरीन जहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे कैंप्स भी लग सकते हैं। बाबा अपना दारू शाह का दरबार भी है, मजहबी सयाहत के लिए, ज़ियारत के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये इतना सब्ज़ा है, देखें नाजरीन दोस्तों, ये देखें वो अनारी हिल टॉप्स हैं वो उस तरफ। यहाँ से थोड़ा सा तवज्जो की ज़रूरत है, यहाँ पे ज़ायरीन के लिए सहूलियात दी जानी चाहिए।